जोन डीसी जो बैठते हैं उस उन्हीं की कुर्सी पे वो बैठे हुए पाया गया। तो उन्होंने मुझे बड़ी ही बदतमीजी से जवाब दिया, पट्टों के नाम पर सिर्फ और सिर्फ दलाली हो रही है, दलाल वहाँ बैठते हैं, पट्टों की फाइल उन लोगों को सिर्फ यहाँ बुलाया जाता है। राजस्थान में अब से कुछ महीनों बाद चुनाव होने हैं, तो जाहिर सी बात है दोनों ही प्रमुख पार्टियां अपने एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं। लेकिन जिस प्रकार से राजस्थान की सियासत है पिछले कई सालों से, एक बार कांग्रेस एक बार भाजपा, ये रीत चली आ रही है, क्या ये रीत इस बार भी कायम रहेगी? और इसके साथ ही एक और चीज़ है, कांग्रेस का या फिर यूँ कहें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का प्रशासन शहरों के संग जो अभियान चल रहा है, कहने को तो ये गरीब लोगों की मदद के लिए, लेकिन इस कैंप में कई ज़्यादतियाँ उन्हीं गरीब लोगों के साथ हो रही हैं। क्या वो ज़्यादतियाँ हैं और विधानसभा चुनावों में क्या कुछ तैयारियाँ हैं, ये आज हम जानेंगे रामनगर सिविल लाइन से पार्षद रेखा राठौड़ जी से। रेखा जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है नवतेज टीवी में। एक किस्सा हुआ जब आप केशव नगर में जो प्रशासन शहरों के संग अभियान का जो कैंप चल रहा है वहाँ पर कुछ अनियमितताएँ पाई गई, क्या क्या कुछ वो पूरा मामला था? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जो प्रशासन शहरों के संग अभियान चल रहा है, पार्षद का जनप्रतिनिधि होने के नाते पार्षद को सूचना करना निगम का एक दायित्व है, जो पूरा नहीं किया गया है। मुझे कोई सूचना नहीं थी कि इस तरीके का कोई कैंप का आयोजन यहाँ किया जा रहा है। आज जब मुझे पता चला कि ये कैंप यहाँ पर लगा हुआ है तो मैं गई, और मेरे जाने के बाद मैंने देखा कि वहाँ कांग्रेस का एक कार्यकर्ता जो कि निगम के अधिकारियों के साथ, जहां पर दो दिन से डीसी साहब बैठते हैं, जोन डीसी जो बैठते हैं उस उन्हीं की कुर्सी पे वो बैठे हुए पाया गया। जब मैंने उनसे ये पूछा कि आप किस नाते इस कुर्सी पर यहां बैठे हुए हैं अधिकारियों के साथ, और पूरी तरह से वो अधिकारी जो निगम के थे उनके साथ डिस्कशन जो कर रहा था फाइलों के ऊपर, तो वो किस, मैंने उनसे ये पूछा कि आप किस हैसियत से आप यहाँ बैठ कर और अधिकारियों के साथ ये डिस्कशन कर रहे हैं, तो उन्होंने मुझे बड़ी ही बदतमीजी से जवाब दिया, अभद्रता का व्यवहार किया। और उसके बाद वहाँ के लोगों में और आसपास के पार्षदों को और जनता का मतलब बड़ा ही आक्रोश था, तो हमने जाकर सोडाला थाने में उसकी रिपोर्ट दर्ज कराई। तो पट्टों के नाम पर पूरी तरह से सिविल लाइन विधानसभा में एक तरह से घूसखोरी और भ्रष्टाचारी का काम हो रहा है, ये आज साफ देखने को कैंप में मिला। तो जिस प्रकार से आपने कहा कि जो पट्टों के नाम पे घूसखोरी का काम हो रहा है, और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कई बार कई मंचों से कह चुके हैं कि प्रशासन शहरों के संग में 500 रुपये में आप रजिस्ट्रेशन जो भी नॉमिनल जो फीस है वो आप देके आप अपना पट्टा हासिल कर सकते हैं, जो भी 20 साल से अधिक समय से किसी जगह पर वो रह रहा है, तो इसका मतलब आपका कहना है कि वहाँ पर 500 नहीं कुछ ज़्यादा पैसे लेकर काम किया जा रहा है? देखिए, 500 तो मैं बिल्कुल ही नहीं कहूँगी। आज से पहले ये कैंप सेम केशव नगर सामुदायिक केंद्र में लगा था, तब भी मैंने मीडिया के माध्यम से ये कहा था कि यहाँ पट्टों के नाम पर सिर्फ और सिर्फ दलाली हो रही है, दलाल वहाँ बैठते हैं, पट्टों की फाइल उन लोगों को सिर्फ यहाँ बुलाया जाता है जनता को, और जब उनकी फाइलें और उनका रिकॉर्ड यहाँ आ जाता है तो उन फाइलों को निगम के अधिकारियों या जिससे भी कहें कि मेयर द्वारा, या मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगी, कि उन लोगों को बुलाया जाता है, अगर जिस फाइल पे आपने दाम रख दिए उसी ही फाइल का वो पट्टा क्लियर करते हैं, अदरवाइज वो पट्टों के ढेर आज निगम में लगे हुए हैं। कर्मचारी खुद इस बात से दुखी हैं क्योंकि उनको पूरी तरह से दबाव में लेकर हर तरह से काम करवाया जा रहा है। इसका मतलब महंगाई राहत कैंप हो या प्रशासन शहरों के संग अभियान हो, इसके पीछे की जो सोच है उस सोच के विपरीत काम किया जा रहा है? पूरी तरह से विपरीत। इनकी कोई अच्छा काम करने की सोच ही नहीं है, सोच सिर्फ यह है कि 3 महीने मात्र बचे हुए हैं, और इन 3 महीनों में आप कितनी घूसखोरी और कितना पैसा ले जा सकते हैं। पूरी कांग्रेस सरकार इसी काम में लगी हुई है, जो आज प्रत्यक्ष प्रमाण मुझे प्रशासन शहरों के संग अभियान में केशव नगर सामुदायिक केंद्र में देखने को मिला, और पूरी जनता ने उसे अच्छे से देखा है कि वहाँ क्या हो रहा था। ये तो रही मैम प्रशासन शहरों के संग अभियान में केशव नगर में जो गड़बड़ी हुई उसकी बात, अब आप भी पार्षद हैं सिविल लाइन्स रामनगर एरिया की, विधानसभा चुनाव जैसे कि हमने शुरुआत में बताया अब कुछ महीनों बाद ही हैं, आपकी तरफ से क्या तैयारियां चल रही? जी, हमारी तरफ से पूरी तैयारियां हैं चुनाव को लेकर। 3 महीने बाद आचार संहिता लग जाएगी। हमारी पार्टी जो भारतीय जनता पार्टी ने आंदोलन भी शुरू कर दिए हैं। इससे पूर्व हमने जन आक्रोश यात्रा निकाली थी, आप लोगों को ध्यान होगा, जिसमें भी जनता का आक्रोश पूरी तरह से निकलकर सामने आया था। और आगामी 13 जून को हमने जन आक्रोश आंदोलन जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किया जा रहा है, वो हमने प्रदेश कार्यालय से सचिवालय तक को
घेरने का काम किया है और पूरी तरह से वार्ड की जनता, जिसमें आज हमने वार्ड की मीटिंग भी की है, इससे पहले मंडल की मीटिंग और जिला स्तरीय मीटिंग हो चुकी है, तो हम लोग पूरी तरह से इस काम में जुटे हुए हैं सभी कार्यकर्ता। और अधिक से अधिक संख्या में हम चाहते हैं कि 13 जून को जो ये सरकार की पूर्ण जो भ्रष्टाचारी है वो जनता के सामने उजागर हो। भ्रष्टाचार की अगर बात करें तो डॉक्टर किरूड़ीलाल मीणा पिछले 2 दिन से ईडी के दफ्तर में जा रहे हैं और पहले तो डिपार्टमेंट वाइज भ्रष्टाचार की फाइल लेकर वो गए थे, अब कल उन्होंने बीजेपी दफ्तर में भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और आज वो ईडी के दफ्तर पहुँचे और अब सीधा इल्ज़ाम मुखिया अशोक गहलोत के परिवार पर है। जी बिल्कुल, आपने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखा होगा कि कल वैभव गहलोत के ऊपर उन्होंने पूरी तरह से आरोप लगाए हैं और आरोप ही नहीं, मैं कहूँगी कि वो बिल्कुल उन्होंने ये साबित कर दिया, प्रमाणित कर दिया कि पूरी तरह से मुख्यमंत्री का बेटा इस भ्रष्टाचारी में लिप्त है, वो सब जनता भी जान चुकी है और इसी को आगे दर बदर हम लोग आगामी तीन महीनों में हमारा यही भारतीय जनता पार्टी का काम रहेगा कि इस कांग्रेस सरकार के काले कारनामों को हम किस तरीके से जनता के सामने पाए। कांग्रेस पार्टी की तरफ से भले ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हों या अन्य कांग्रेस के कार्यकर्ता हों, विधायक हों, उनका यह आरोप है कि 4.5 साल तक तो बीजेपी सोती रही, अब जैसे ही चुनाव है वैसे ही अब ईडी की भी एंट्री हो चुकी है। क्या इन्हें ये सारे सबूत इनके पास 4.5 साल पहले नहीं थे? क्या भ्रष्टाचार 4.5 साल पहले नहीं था? देखिए ऐसा नहीं है, बराबर भारतीय जनता पार्टी के जो भी हमारे विधायक कह लीजिए या शीर्ष नेतृत्व है, वो ऐसा नहीं है कि शांत बैठा था, पूरी तरह से रोज हर तरह से हम लोग, तो मैं अपनी बात कहूँगी कि वार्ड लेवल पे भी मैंने कितने धरने और कितने प्रदर्शन किए हैं, मंत्री जी के जो तानाशाही यहाँ पर है मैं तो उसको भी उजागर करने में पूरे 3 साल से लगी हुई हूँ, तो ऐसा नहीं है, शीर्ष नेतृत्व तक सब कुछ आवाज़ उठाई जा रही है, बस गहलोत सरकार को अब ये पता चल चुका है कि अब ये सरकार दोबारा रिपीट नहीं होगी, इसलिए ये सब बातें वो लोग बौखलाहट में कर रहे हैं। पायलट गहलोत विवाद पर क्या कहेंगे? पायलट गहलोत विवाद पर तो क्या कहेंगे, मतलब ये है कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट ऐसे ही लड़ते रहेंगे जबकि उन दोनों को पता है कि अब कुछ रिपीट होने वाला नहीं है। कई सालों से बीजेपी कांग्रेस ही लगातार सत्ता पे आसीन रही हैं, एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस, लेकिन अब विधानसभा चुनावों की अगर हम बात करें इस बार के, तो आम आदमी पार्टी भी एक तीसरे मोर्चे के रूप में उभर रही है, 200 की 200 विधानसभा सीटों पे उसने उम्मीदवार उतारने की बात कही है। दूसरी तरफ हनुमान बेनीवाल अपना एक लेकर चल रहे एजेंडा कि वो भी बीजेपी और कांग्रेस के अगेंस्ट में लड़ेंगे, सचिन पायलट अगर नई पार्टी बनाते हैं तो उनको भी वो साथ में ले लेंगे, तो तीसरे मोर्चे के रूप में क्या आपको चुनौती मिलने वाली, क्या लगता है आपको? कोई चुनौती नहीं है भारतीय जनता पार्टी के सामने, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और जो हमारे यहाँ प्रधान सेवक है माननीय मोदी जी, उनके आगे कोई पार्टी टिक ही नहीं सकती, क्योंकि जो कार्य जो काम वो जनता के लिए कर रहे हैं, जो योजनाएँ उनकी आ रही हैं, उसके लिए मैं ये कहूँगी कांग्रेस ही नहीं और कोई किसी भी तरीके की पार्टी उनके सामने नहीं टिक सकती। आखिरी सवाल ये है मैम कि अभी हाल ही में कर्नाटक में विधानसभा चुनाव संपन्न हुए हैं और वहाँ पे एनालिस्ट ने यही कहा है कि अगर बीजेपी से कोई गलती वहाँ पर हुई है तो वो सिर्फ एक गलती हुई, स्थानीय मुद्दे वहाँ पर कम उठाए गए और राष्ट्र जो नेशनल लेवल के जो मुद्दे हैं जो लोकसभा चुनाव में उठाए जा सकते हैं उन मुद्दों पर बीजेपी ने कर्नाटक में चुनाव लड़ा है, शायद इस वजह से उनकी हार हुई है। राजस्थान में किन मुद्दों को लेकर आप लड़ेंगे? राजस्थान में तो पूरी तरह से महिलाओं पे हो रहे अत्याचार, बेरोजगारी, जो रोज आज पेपर लीक हो रहे हैं, इन सभी को लेके किसानों को ये वादा किया गया था कि उनको रोजगार वो दिया जाएगा, लेकिन आज कोई भी तरीके से आज मैं बात कहूँ तो किसी भी मुद्दे पर कांग्रेस सरकार खरी नहीं उतरी है, तो यही जनता के स्थानीय जो मुद्दे हैं उन्हीं को लेकर चुनाव लड़ा जाएगा। हमारे साथ रामनगर सिविल लाइन से पार्षद रेखा राठौड़ जी, इन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि विधानसभा चुनावों में जो स्थानीय मुद्दे हैं, भले ही वो महिलाओं पर बढ़ता अत्याचार हो, भ्रष्टाचार हो, पेपर लीक जैसे मुद्दे हो, उन तमाम मुद्दों को लेकर बीजेपी सड़कों पर उतरेगी, पहले भी उतर चुकी है और यही मुद्दे गहलोत सरकार के जो जाती हुई सरकार है उसमें आखिरी कील साबित होगी। सहयोगी कैमरामैन अजय के साथ उमंग माथुर, नवतेज टीवी जयपुर। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।